streets are empty. The only thing I can see is. तो हेलो गुड इवनिंग गाइस, आज हम करने वाले हैं अपनी बाइक में सैडल स्टे और टॉप रैक माउंट इंस्टॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पीछे की सीट निकाल ली, अभी इसको भी रिमूव करते हैं। और अभी हमको दोनों सीट हमारी रिमूव हो गई। ऊपर के जो दो स्क्रू हैं, ये वाला और एक साइड वाला, इसको पहले निकालते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been on. अब इसको आराम से बाहर निकालते हैं, नीचे खींच के, जिससे इसके लॉक ना टूटे। आप चाहो तो इसको पूरा रिमूव कर सकते हो, वरना इसको ऐसे भी रह के आप नीचे के मतलब स्क्रू निकाल सकते हो। अभी हमको ये चार स्क्रू हैं ये निकालने हैं सबसे पहले। और इनको निकालने से पहले हमको जो लाइट और इंडिकेटर के जो कनेक्शन है, पहले उनको हटा देते हैं, टेल लाइट और दोनों इंडिकेटर। ओके, अब वो चारों स्क्रू निकाल लेते हैं। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. तो ये रही हमारी टेल लाइट और दोनों इंडिकेटर जो हमने उससे निकाल लिए हैं। अभी इसको बाहर निकाल के, क्योंकि ये नहीं लगेगा, अगर आप जो मेन प्लेट होती है उसको लगाओगे तो ये नहीं लगेगा, ये आपको हटाना पड़ेगा। और ये रहा मेरा पार्सल जो मैंने मुंबई से मंगाया है, वैनम एंसिलरी से। ये सैडल स्टे हो गया, ये प्लेट हो गया टॉप रैक, और ये जो दोनों को कनेक्ट करेंगी, और ये होगी मेन जहाँ पे पूरा कनेक्ट रहेगा। सो जो पुराने स्क्रू थे उनका यूज़ नहीं करेंगे हम, ये बड़े वाले स्क्रू में लगेंगे। ये बहुत छोटे थे और इनका साइज आप देख सकते हो बड़ा है। ये ऐसे नीचे बाहर आ गए, और अभी यहाँ पे प्लेट लगा के टाइट करते हैं। ये हमारे होगी प्लेट, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा टॉप रैक माउंट। अब इसको साइड में लगाते हैं, सैडल स्टे ऑप्शन होता है इसमें, आप लगा सकते हो इसे।